लगना, सो एक वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। अब आ रही है वॉइस क्लियर? ओके, सो वेलकम ऑल एंड आई होप दिस इनिशिएटिव विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, अभी हम लोग कवर करेंगे जुडिशरी। देखो आप सभी जानते हो कि पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल को देख लो, चाहे प्रीलिम्स देख लो, मेंस देख लो, चाहे इंटरव्यू देख लो, पॉलिटी से क्वेश्चंस डेफिनेटली आने ही आने हैं। और अभी जो रिसेंट टाइम्स में जो एक रहा है, यूजुअली जो क्वेश्चंस एंड ऑल का पैटर्न रहा है, उसके बेसिस पे आर्टिकल्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो सोर्स है, मटेरियल है, हम लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं एंड अभी जो टॉपिक डिस्कस होंगे उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है। बिकॉज रीड तो हर कोई करता है, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या हमें दिमाग में रखना चाहिए, वो हम लोग अभी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर। अब देखो इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है ऑलरेडी। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप सबके पास अगर ये बुक है तो आप इसी के उसमें बुक में हाईलाइट करो, ठीक है। नोट्स बनाने का इस समय उतना फीजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है बुक, तो इसी में अंडरलाइन करो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट एंड अगर वॉइस में कुछ डिस्टॉर्शन होगा तो प्लीज मुझे रोक करके मुझे बता देना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारा जो जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी से क्या आप समझते हो, उसका ये मतलब है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उसके बाद नीचे लोअर कोर्ट्स आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं, तो ये एक हायरार्की में काम कर रही है। मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स और ये कब अडॉप्ट हुआ था, यह अडॉप्ट हुआ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्यों मेंशन किया गया कि जो यूएसए का कोर्ट है ना उसमें आपका जो सेंट्रल जैसे सेंट्रल लॉ वॉइस नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, जस्ट वेट। नहीं, आई एम नॉट यूजिंग ईयरफोन्स। क्या सिचुएशन है इसमें? अब आ रही है आवाज? ठीक है, ओके। सो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो इंडियन कोर्ट है वो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आता है तो देयर इज अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, तो एक तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट विल बी करेक्ट। और दूसरा क्या है, किस लॉ के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहां से आपके बन गए। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट इट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनॉग्रेट कौन से डेट को हुआ था या कौन से ईयर में हुआ था, ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कब आया आपका फोर्स में, ठीक है। तो कब आया? 28 जनवरी 1950। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अंडरलाइन कर लो, 28 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या वो उससे पहले फेडरल कोर्ट तो बन चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन उसको कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दर्जा मिला, तो वो मिला आपका 28 जनवरी 1950 को, उसका इनॉग्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक ब्लैंकेट चीज करके समझ लो या एक बेसिक सा आप लोग ध्यान रख लो कि आर्टिकल्स 124 से लेकर 147 के बीच में भी आर्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स डील कर रहे हैं विद द जुडिशरी, ठीक है। तो अगर सपोज ये आ गया कि आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है, तो एक आप तब भी हिंट रख सकते हो अपने माइंड में कि ठीक है 124 से 147 के बीच में सारे के सारे आर्टिकल्स जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड है। अब कौन सा आर्टिकल किस चीज के रहे वो हम आगे देखेंगे, बट एक बेसिक सा एक अगर ग्रुप की बात करी जाए तो वो ग्रुप आपका 124 से 147 के बीच में है। दूसरा ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है ये जो
जुडिशरी को पावर दी गई है, तो ये ध्यान रखना कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर होते जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग अंडरलाइन कर रहे होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस का नंबर कितना है, ठीक है। तो अभी 34 जजेस हैं टोटल, एक हो गए हमारे चीफ जस्टिस और बाकी 33 जो है वो बाकी जजेस हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि शुरू में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे। तो जब शुरुआत हुई थी ना 1950 में, उस टाइम पे जजेस का नंबर जो था, जो स्ट्रेंथ थी, दैट वॉज फिक्स्ड एट 8। 1 चीफ जस्टिस थे और बाकी 7 अदर जजेस थे। फिर धीरे धीरे साल दर साल जो है नंबर बढ़ता गया, और अभी लेटेस्ट जो नंबर है अगर आपसे पूछा जाए तो अभी प्रेजेंट में 34 जजेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करता है। चार ऑप्शन होंगे आपके पास, ऑप्शन हो सकते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, पार्लियामेंट करता है, या ये हो सकता है गवर्नर एक ऑप्शन दे दें, या हो सकता है प्राइम मिनिस्टर एक ऑप्शन दे दें। तो सही आंसर जो होगा आपका वो होगा कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज ये ध्यान रखना कि चीफ जस्टिस का जब अपॉइंटमेंट होता है तो बाकी कुछ और जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जो प्रेसिडेंट को लगे कि ठीक है मुझे इनसे एडवाइस लेनी चाहिए, तो वो उनका एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन जिस समय बाकी के जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें जो है चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन लेना इसमें ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मतलब नेसेसरी, मतलब इट इज कंपल्सरी। अच्छा, अब इस पर भी देखो थोड़ा अगर डेप्थ में गया ना ये लोग, यूकेपीएससी वाले थोड़ा डेप्थ में गए, तो उसमें क्या है कि कुछ कोर्ट में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे फर्स्ट जजिस केस हुआ था 1981 में, उसका ये मतलब था, उसमें क्या कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि कंसल्टेशन, मतलब जब प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस को कि ठीक है भैया मैं किस और पर्सन को अपॉइंट कर सकता हूं एज अ जज, तो क्या ये कंसल्टेशन कंपल्सरी है, क्या उनको जो प्रेसिडेंट है उनको चीफ जस्टिस की बात माननी जरूरी है या नहीं है, ठीक है। तो जब फर्स्ट जजिस केस आया तब तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि ठीक है कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीफ जस्टिस बोल रहे हैं वो प्रेसिडेंट माने। लेकिन ये हुआ था 1981 में, इसको बोला जाता है फर्स्ट जजिस केस। 1993 में सेकंड जजिस केस होता है, उसमें कोर्ट जो है अपनी ही वर्डिक्ट को रिवर्स कर देती है, वो ये कहती है कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फिडेंस है। इससे क्या आप समझते हो कि मतलब जो चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि सपोज एक्स पर्सन को बनाओ जज, तो प्रेसिडेंट को एक्स पर्सन को बनाना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। ये हुआ आपका सेकंड जजिस केस में, ठीक है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो चीफ जस्टिस दे रहे हैं ना एडवाइस, वो एडवाइस तभी दे पाएंगे जब वो दो सीनियर मोस्ट कलीग्स, यानी उनके अलावा दो और जजेस का जब वो एडवाइस लेंगे, उन लोगों के मतलब एडवाइस के बाद ही वो किसी भी एक पर्टिकुलर नाम को सजेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ये हो गया आपका सेकंड जजेस केस 1993 में। अब क्या होता है, फिर से थर्ड जजेस केस होता है, तो उसमें क्या आता है कि प्लुरालिटी ऑफ जजेस, इसका क्या मतलब है कि कोलेजियम का सिस्टम आ जाता है यहाँ पे। तो अगर आपसे ये प्रिलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि कोलेजियम सिस्टम क्यों और कब आया था, तो थर्ड जजिस केस के द्वारा 1998 में कोलेजियम सिस्टम की स्थापना होती है या उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि अभी क्या है कि फिर से ये, अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा कि ये अभी न्यूज में रहा है कि कोलेजियम सिस्टम और एनजैक की जो बात हुई थी, तो उसके बीच में थोड़ा टिप हो गया था कि कोर्ट और जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे, तो ये न्यूज में रहा है, तो यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड जजिस केस तक की कहानी, मैंने आपको बता दी कि कोलेजियम सिस्टम आ जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर आता है आप लोगों का 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजैक। एनजैक का क्या मतलब है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ 2014। इसमें क्या था, इसका यह कहना था कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाएगा एंड वो ही जो बाकी के जजेस हैं उसके अपॉइंटमेंट में इसका रोल होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देती है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजैक एक्ट जो है उस दोनों को, वो कह देते कि नहीं भैया ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है आप लोगों का, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और वापस हम फिर उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि थर्ड जजिस एक्ट के द्वारा हम लोगों का स्थापित हुआ है कि ठीक है जो भी नए जजेस अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट में वो कौन करेगा, कोलेजियम सिस्टम करेगा, क्योंकि एनजैक जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कह दिया उसको कोर्ट ने, ठीक है। तो अभी भी ये जो है, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि, अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया कि अभी जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, तो आप वहां पे आंसर करोगे कि सर कोलेजियम सिस्टम द्वारा ही जो जजेस हैं वो अपॉइंट होते हैं, क्योंकि अभी जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का जो एक्ट था 2014 का, जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया था, उसको कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है, यानी अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी
वही चीज हो रही है कॉलेजियम सिस्टम द्वारा ही, जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्डिक था, तो अब यही है कि अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम बिकेम ऑपरेटिव अगेन, और यही है फोर्थ जजेस केस में भी। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट में यही सिचुएशन है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वही अभी काम करता है। अच्छा, ये तो हो गया बाकी के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो चीफ जस्टिस की बात अगर हम करें, तो ये एक कन्वेंशन है जो फॉलो होता है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके ठीक है। मैम अभी क्लियर नहीं आ रही आवाज। अब आ रही है क्लियर? हाँ मैम अभी आ रही। ठीक है, तो अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, तो ये कन्वेंशन है, ये माना जाता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे, सीनियर मोस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के हिसाब से कभी भी सीनियरिटी डिसाइड नहीं होती है। जो जितनी जल्दी सिलेक्ट हुआ है किसी पोस्ट के लिए, जो जितनी जल्दी जज बने हैं वो उतने ज्यादा सीनियर होते हैं। तो ये हमारे यहाँ कन्वेंशन है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है वही आपके चीफ जस्टिस बनेंगे। ऐसा हुआ था बीच में कि जब केशवानंद भारती केस का जब वर्डिक्ट आया था, तो कुछ जजेस ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब उसमें वर्डिक्ट दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाईपास कर दिया इस चीज को कि नहीं भैया हम तो सीनियर मोस्ट को नहीं बनाएंगे, हम अपने कैंडिडेट को बनाएंगे। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ऐसा ना हो कि किसी मनचाहे इंसान को बना दिया जाए चीफ जस्टिस, ऐसा दूर करने के लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया सेकंड जजेस केस में 1993 द्वारा कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वही बनेंगे चीफ जस्टिस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो, अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप लोग हो, आप मुझे ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रही हूं क्या ये सही है या गलत है। स्टेटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट, या इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट द सीनियर मोस्ट जज विल बी डिक्लेयर्ड और विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ओके ओके अच्छा, और किसी को अगर लग रहा है कुछ, किसने बोला है आंसर भी? मयंक भारद्वाज। ओके बोला है, और कुछ करना चाहिए क्या लगता है? सही है, अब आ रही आवाज? यस मैम आ रही है। ठीक है, स्टेटमेंट एक और बार सुनो। स्टेटमेंट ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है या क्या ये स्टेटमेंट गलत है? तो मयंक तो कह रहे हैं कि गलत है, बाकी और कोई अगर कुछ कहना चाहे इस बारे में बताओ, स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ओके ठीक है, और कोई? मैम फॉल्स। ओके एनीवन एल्स? अच्छा चलो बताओ फॉल्स क्यों कह रहे हो, रीजन बताओ। फॉल्स है। ओके रीजन, व्हाट इज द रीजन? उसमें मेंशन नहीं है, रीजन दे रहे हैं कि हम अपॉइंट करेंगे। राइट राइट, तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इवन प्रीलिम्स के टाइम पे भी अगर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ मेंशन नहीं है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दिस वाज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जजेस केस 1993 में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा कन्वेंशन है, दैट हम लोग यही चीज फॉलो करते हैं कि सीनियर मोस्ट जो होते हैं वही बन जाते हैं चीफ जस्टिस। ठीक हो गया। अच्छा चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? तो जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो भैया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा या तो हाई कोर्ट के किसी एक हाई कोर्ट या अलग अलग हाई कोर्ट्स के सक्सेशन में, मतलब एक के बाद एक 5 साल तक मिनिमम जज रहे हो, या फिर एडवोकेट रहे हो किसी भी हाई कोर्ट के या अलग अलग हाई कोर्ट्स के सक्सेशन में 10 साल के लिए, या फिर तीसरा क्राइटेरिया यह है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। तो ये 3 कंडीशंस हैं जब एक कोई भी पर्सन क्वालिफाई हो जाता है जज बनने के लिए।
और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मिनिमम एज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर बाई चांस ये स्टेटमेंट आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 25 ईयर्स एज लिमिट है, मिनिमम 25 या 35 एज लिमिट है एक जज बनने की सुप्रीम कोर्ट में, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ओथ जो लेते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो किसके समक्ष लेते हैं? वो या तो प्रेसिडेंट के समक्ष लेते हैं या फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर फॉर दिस पर्पस। अगर स्टेटमेंट दिया आ गया कि जो जजेस हैं वो ओथ ले रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो सैलरी और अलाउंसेस हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, जो कि वेरी नहीं हो सकता, मतलब जिसको बदल नहीं सकते किसी भी जज के डिसएडवांटेज के लिए। सपोज अगर कल को कोई भी वर्डिक्ट आया और जज ने वर्डिक्ट दे दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो नहीं भाई इसने मेरे तो खिलाफ दिया जजमेंट तो मैं इसको भाई इसकी सैलरी रिड्यूस कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ऐसा रिडक्शन तब हो सकता है जब कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, अभी अगर पूछा जाए कि, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट थोड़ा ध्यान रख लेना कि सैलरी कितनी है। तो चीफ जस्टिस की सैलरी जो है अभी 2.8 लाख पर मंथ है और जो बाकी जजेस हैं उनकी 2.5 लाख पर मंथ है। नेक्स्ट क्या है कि उनको जो रिटायरमेंट के दौरान उनको जो लास्ट जो उन्होंने सैलरी ड्रॉ करी है एज अ मंथली पेंशन उनको मिलता है उसका 50%, ठीक है। अब टेन्योर की अगर हम बात करें और रिन्यूअल की बात करें, तो टेन्योर जो है वैसे तो कुछ ऐसा फिक्स्ड टेन्योर है नहीं, लेकिन एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 65 इयर्स जो है या तो वो हो जाए, या दूसरी सिचुएशन क्या है कि वो रिजाइन कर दें किसको लिख करके। तो ध्यान रखना कि हमेशा रेजिग्नेशन जो होगा वो किसको लिखा जाएगा? प्रेसिडेंट को लिखा जाएगा, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आगे और ज्यादा टॉपिक्स पढ़ोगे तो उसमें हर किसी का रेजिग्नेशन किसको वो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं या किसको लिख रहे हैं रेजिग्नेशन, तो वो ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि आप लोग जो है अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो वो रेजिग्नेशन जो है वो लिखते हैं अपना, रिजाइन करते हैं और वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। थर्ड ये है कि रिमूवल हो सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेशन कौन देगा? पार्लियामेंट देगा। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिमूवल होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी जो जजेस का रिमूवल है उसका नाम इम्पीचमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है। हालांकि प्रोसीजर सिमिलर है टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज अ बिट सिमिलर टू दैट, बट इट इज नॉट कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट इज ऑलवेज फॉर द प्रेसिडेंट्स रिमूवल। यहां पर जो है रिमूवल ऑफ जजेस ही कहलाता है। उसकी क्राइटेरिया क्या है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में। स्पेशल मेजोरिटी से क्या समझते हो? एक तो मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की, और साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ग्राउंड्स क्या होते हैं रिमूवल के? एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। अब सपोज आपसे यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेकिन सिर्फ लोकसभा, या तो ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि रिमूवल ऑफ द जजेस रिक्वायर्स द स्पेशल मेजोरिटी ओनली द लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दूसरा ये पूछ सकता है कि ठीक है भैया, टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि इट इज नॉट 1/3, इट इज 2/3। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पे आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से रीड करना वहां पे। नेक्स्ट क्या है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट के द्वारा पूरा प्रोसीजर बताया गया कि कैसे रिमूव होगा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज। सबसे पहले क्या है, रिमूवल का मोशन साइन करेंगे एटलीस्ट 100 मेंबर लोकसभा के। देखो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट घुमा के पूछ सकता है यूकेपीएससी आपसे। वो ऐसा कह सकते हैं कि 50 मेंबर्स चाहिए लोकसभा में और 100 मेंबर्स चाहिए राज्यसभा में। तो देखो भाई, ये तो भाई इतना वेरी सिंपल टाइप का लॉजिक है इसमें। लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स है, राज्यसभा में कम मेंबर्स है, तो ऑब्वियसली 100 मेंबर्स चाहिए होंगे लोकसभा में और 50 मेंबर्स चाहिए होंगे राज्यसभा में। तो ये तो वो गया, बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग इस चीज को। और ये है रिमूवल का मोशन, ठीक है। दिस इज नॉट कि भैया इम्पीचमेंट हो गया, दिस इज रिमूवल का मोशन जो सबसे पहले पास होगा। साइन करेंगे 100 लोग लोकसभा में और 50 लोग करेंगे राज्यसभा में। फिर वो किसको देंगे ये मोशन? वो देंगे स्पीकर या चेयरमैन को। ऑब्वियसली लोकसभा में स्पीकर को देंगे एंड राज्यसभा में चेयरमैन को देंगे। उसके बाद ये चेयरमैन या फिर स्पीकर के ऊपर है कि वो क्या इसको एडमिट करता है या रिफ्यूज करता है, उनके डिस्क्रिप्शन पे है। वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर ले या चाहे तो नहीं करें उसको एक्सेप्ट। अच्छा, अगर बाय चांस वो एडमिट हो गया फिर क्या होगा? एक 3-मेंबर कमेटी बनेगी। 3-मेंबर कमेटी में कौन कौन होंगे सदस्य? एक तो होंगे चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दूसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरे होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये 3 हैं मेंबर्स जो कि उसमें मेंबर्स
ये क्रिएट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कमिटी के, 3 मेंबर कमिटी बनेगी। उसके बाद ये जो कमिटी है ये चेक करेगी कि क्या गिल्टी है जो हमारे जज है मिसबिहेवियर के या इनकैपेसिटी दिखाई हुई, क्योंकि दो ही ग्राउंड है, मिसबिहेवियर इंप्रूवमेंट, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब ये अपनी फाइंडिंग कर लेंगे उसके बाद जो है फिर हाउस में कंसिडर होगा ये मोशन। मोशन जो है उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट जब दोनों हाउसेस से ये मिल गया उनको तब प्रेसिडेंट पास कर देंगे ऑर्डर। और एक स्टेटमेंट ये ध्यान रखना कि अभी तक कोई भी ऐसे जज नहीं है जिनको इम्पीच किया गया, लेकिन इम्पीचमेंट की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी किसके विरुद्ध, जस्टिस वी रामस्वामी। ये कहां के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इंक्वायरी कमेटी ने इनको गिल्टी भी मान लिया था मिसबिहेवियर के लिए, लेकिन वो रिमूव नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जो मोशन था वो डिफीट हो गया लोकसभा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन कर दिया था कि भैया हम तो वोट ही नहीं करेंगे। तो प्रोसीजर एक जने के विरुद्ध हुआ है अभी तक पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जस्टिस वी रामस्वामी ने, लेकिन वो इम्पीच नहीं हुए क्योंकि क्या हुआ, वो मोशन जो है डिफीट हो गया लोकसभा में। अब हम बात करते हैं कि एक्टिंग, रिटायर्ड और एडहॉक जजेस क्या होते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस किसको कहते हैं, अगर चीफ जस्टिस जो है अभी या तो उनकी पोस्ट वेकेंट हो गई या फिर वो टेम्पररीली एब्सेंट है या वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसी सुप्रीम कोर्ट पर एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब आ रही है वॉइस? यस मैम। ठीक है, ओके। सो एडहॉक जज किसको बनाया जाता है, किसी भी ऐसे जज को जो कि हाई कोर्ट में एक जज है लेकिन वो जिस पर्टिकुलर स्टेट के जज है ना वहां के जो चीफ जस्टिस होंगे उस हाई कोर्ट के, उनको कंसल्ट करने के बाद ही, और साथ ही साथ प्रीवियस कंसेंट होना चाहिए प्रेसिडेंट का, तभी उनको हम एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। एक बार ये अपॉइंट हो गए फिर क्या होगा, ये जितने भी इनके प्रिविलेजेस होंगे ना, जो कि एक प्रिविलेजेस होती हैं या ज्यूरिसडिक्शन होता है, पावर होती है एक सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो सारी की सारी ये भी इंजॉय करेंगे जो हमारे एडहॉक जज हैं। अच्छा, तीसरा है कि रिटायर्ड जज। तो रिटायर्ड जज से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि रिटायर्ड जज तो वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज रहे थे। इसमें क्या है, इसमें तो हमें किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुमति चाहिए ही नहीं या कंसल्टेशन चाहिए ही नहीं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए और उस इंसान का भी इसमें कंसेंट चाहिए जो कि अपॉइंट होंगे एज द रिटायर्ड जज। तो ये क्या होंगे कि इनके पास भी पावर ऑफ प्रिविलेजेस होंगी सिमिलर टू दोस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि जो एडहॉक जज बन रहे हैं ना, हैं तो वो अभी फिलहाल जज एट अ हाई कोर्ट, लेकिन उनकी जो कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, जैसे 10 साल तक वो कहीं जज रहे, 5 साल तक वो जज रहे हो हाई कोर्ट के, या फिर 10 साल तक वो एडवोकेट रहे हो या एमिनेंट जूरिस्ट हो, तो ये 3 कंडीशन हो, साथ ही साथ सिटीजन ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या जितने भी ये कह सकते हैं आप लोग क्राइटेरिया है, ये फुलफिल होना चाहिए तभी कोई एडहॉक जज बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट एंड प्रोसीजर। तो सीट कहाँ है, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि दिल्ली में है सीट सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी और प्लेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सिर्फ एक ऑप्शनल चीज है, कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल को कोई नए चीफ जस्टिस बन गए वो कहते नहीं भैया मैं तो दिल्ली में नहीं, मुंबई में बना लो जो अपनी सीट है हमारी सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी हो जाएगा, इट इज जस्ट एन ऑप्शनल थिंग, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का। अच्छा, अब प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट कैसे एस्टैब्लिश हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है, तो प्रेसिडेंट जो है 143 के अंडर वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे आपका इसमें ओपिनियन चाहिए। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये पूछ भी सकते हैं प्रीलिम्स में, आर्टिकल 143 किससे एसोसिएटेड है। और दूसरी बात ये कि जब भी प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन मांगे या कह सकते हैं कि किसी भी केस को रेफर करें अगर सुप्रीम कोर्ट को, तो वहां पे जो जजेस की बेंच है मिनिमम 5 जजेस वहां पे होने चाहिए। ठीक है, तभी इस तरीके के कोई भी सिचुएशन को, हियरिंग जो होती है उसमें 5 जजेस होने ही चाहिए ऐसे में। बाकी और जो केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसमें तो सिंगल जजेस कर सकते हैं उसको डिसाइड, या फिर डिवीजन बेंचेस। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है डिवीजन बेंच किसको कहा जाता है?
आवाज आ रही है आप लोगों को? दो दो से दो एक मिनट को किसने आंसर दिया ये मैं देखना किसने क्या आंसर डिवीजन बेंच में दो जगह होता है आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों तक? मैम अब आ रही है, आवाज चली गई थी बीच में। ओके तो डिवीजन बेंच का आंसर किसने दिया था? मैम दो जगह पे हैं। ओके ठीक है, तो दो या उससे ज्यादा अगर जजेस होते हैं तो उसको डिवीजन बेंच कंसीडर किया जाता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का, तो इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। चार ऑप्शंस दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दैट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड ऑल्सो द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो फेडरल कोर्ट एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है, एडजेक्टिव है, तो ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट के विषय में कहा गया है इसको। अच्छा क्यों है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ऑब्वियसली मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, कोलेजियम सिस्टम है, दैट इंश्योर दैट जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें कोई लेजिस्लेचर की या एग्जीक्यूटिव की इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सेकेंडली सिक्योरिटी है टेन्योर का, अगर रिमूवल चाहिए तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। थर्ड ये है कि फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है, जैसे सैलरीज एंड ऑल है वो फिक्स है, उनके डिसएडवांटेज के लिए उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ओनली व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है जो एक्सपेंसेस हैं, दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, जो कि वोट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट लेकिन डिस्कस कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, अगर वहां पर क्वेश्चन आया कि द एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल द सैलरी एंड अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे कैन बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट इफ दिस स्टेटमेंट कम्स। सो प्लीज लेट मी नो क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप लोग बताओ। स्टेटमेंट फिर से सुनो, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल द सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? मैम इट कैन बी डिस्कस्ड बट इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, द सैलरीज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। हेलो मैम आप ऑडिबल नहीं है। अब आ रही आवाज? जी जी मैम। मैम सैलरीज डिस्कस हो सकती हैं पर ऑल्टर नहीं हो सकती। ठीक है ओके, आप में से कोई फॉल्स भी कह रहे थे ना, वो कौन बोल रहा था, फॉल्स कौन बोल रहा था? मैम मैं कह रहा था कि उसमें ठीक है वोटिंग नहीं हो सकती। राइट ठीक है, वोटिंग नहीं हो सकती, लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट बोला था वो ये बोला था कि इट कैन बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। तो अब बताओ स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? ओके समझ में आ गया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके और कोई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो पूछ लो अभी। समझ आया ना मैंने क्या बोला आप लोगों से? यस मैम। यस मैम। ठीक है ओके, तो फिर ये चीज ध्यान रखना कि वोटिंग नहीं हो सकती लेकिन डिस्कस करा जा सकता है उसको पार्लियामेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, उसके बाद जो है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन ऑल्सो नॉट बी डिस्कस्ड, ये भी एक चीज इंश्योर कर दी कि ठीक है जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है. बैन हो गई है प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और पावर है पनिश करने की अपने कंटेम्प्ट के लिए. उसके अलावा फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ एंड इस जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे ये इंश्योर हुआ है कि ठीक है जो आपका जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट. अच्छा, अब हम बात करते हैं पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन डेफिनेटली. तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमारे अल्लादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, जो कि मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सॉरी. उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी पावर्स. देयर आर अराउंड 8 डिफरेंट सब हेडिंग्स. तो एक एक करके उसको देखते हैं. सबसे है, पहले है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. अच्छा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से मतलब ये होता है कि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, गेट हाई कोर्ट जाओ, अब आ रही है आवाज? यस मैम. यस ठीक है. दूसरा केस ये है कि कोई भी प्राइवेट सिटीजन नहीं जा सकता अगेंस्ट द सेंटर या स्टेट. उसको भी एंटरटेन नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट. इट्स ओनली व्हेन इधर द सेंटर एंड स्टेट्स उन्हीं के बीच में है, प्राइवेट सिटीजन नहीं जा सकता. अच्छा, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से ये भी नहीं आएगा उसके अंदर. कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है किसी ट्रीटी की वजह से वो भी नहीं आएगा. और मैटर्स रिफर टू द फाइनेंस कमीशन या कुछ एक्सपेंसेस को लेकर के स्टेट और सेंटर के बीच में, तब भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर वो नहीं आता है. तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, इसको देख लेना. 1961 में पहली बार ऐसा था कि स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट गई, वेस्ट बंगाल चला गया अगेंस्ट द सेंटर. इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया, क्योंकि वो कोल बेरिंग एरिया से रिलेटेड था और यही था कि ये तो कोई वैलिडिटी ऑफ एक्ट है, तो ये इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया. ये एक एग्जांपल है इसका. सेकंड हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, रिट ज्यूरिसडिक्शन. तो रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है उसमें आपको पता है कि 5 रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरी. तो रिट ज्यूरिसडिक्शन, ऑल्दो इट इज यू कैन से कि एक ज्यूरिसडिक्शन है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आप इसके लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हो. इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव नहीं माना जाता है. ठीक है, इट इज, इसका ये मतलब है कि आप जो है या तो हाई कोर्ट जाओ या तो सुप्रीम कोर्ट जाओ अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चले गए. जैसे पहले वाले केस में क्या था, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाले में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, इसीलिए वो उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गया. बट सेकंड केस में जो रिट्स वाली बात है उसमें या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. और इनफैक्ट जो हाई कोर्ट है ना उसका जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इशू कर सकता है रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और किसी पर्पज के लिए नहीं कर सकता. लेकिन हाई कोर्ट जो है वो इन्फोर्समेंट के लिए भी कर सकता है और बाकी पर्पसेस के लिए भी कर सकता है. तो अगर हम पावर की बात करें बिटवीन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रिट्स, फॉर एग्जांपल हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो, तो उस केस में हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है. यस मैम. यस मैम. किसी को अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हो. ठीक है, कोई डाउट है किसी को? हाँ बोलो. आवाज कम आ रही है आपकी. बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो?
आवाज बहुत कम आ रही है, एक मिनट को मेरे को वॉल्यूम बढ़ाने दो आपकी। अब बोलो 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 बोलो। आवाज से स्टार्ट हो रही है। हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला कि सेम सेशन में पास हो जाना चाहिए। राइट राइट ठीक है, ये शायद मिस हो गया हो। हाँ बोलो बोलो मैम। रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हैंडल करते, तो वो फिर कैसे डील करेगा? वो जुरिस्डिक्शनल के उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, देयर इज अ सेपरेट ट्रिब्यूनल फॉर दैट। ठीक है, वो भी ऊपर शायद मैंने स्किप कर दिया है कहीं पे, मैंने हाईलाइट किया था। हाँ ये वाला है देखो, तो उसमें क्या था कि देयर इज इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 हैज एक्सक्लूडेड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। ठीक है, तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ये 1956 के डिस्प्यूट्स एक्ट के बाद ये हट चुका है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दे गो टू द ट्रिब्यूनल, दे कैन ऑब्वियसली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बट दैट डजंट कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाओ, पहले ट्रिब्यूनल जाओगे, वहां से अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तब जाके तुम जाओगे वहां पे, तो वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा उसके। ठीक है, ओके चलो एपेलेट जुरिस्डिक्शन। और तो किसी ने कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो जैसे मैंने अब आपको बताया कि अपील कर सकते हो आप, तो मतलब लोअर कोर्ट में अगर आप सपोज हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वो चार केसेस में होता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें आपको हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा कि ठीक है भैया दिस इज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एंड रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हो। सेकेंड है सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स के केस में क्या होता है, जब क्वेश्चन जो है जनरल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है या क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी आपको हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब उठ करके चले जाओ, हाईकोर्ट जब सर्टिफिकेट देगा तभी जा पाओगे। और पहले क्या था कि सिविल केसेस में अगर सम है 20,000 से ज्यादा की बात अगर है किसी भी सिविल केस में तभी आप जा सकते थे, लेकिन ये जो क्राइटेरिया था ये रिमूव कर दिया गया 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1972। क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, अगर बाय चांस हाईकोर्ट ने सपोज लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया या उसको फांसी की सजा सुना दी, या फिर कोर्ट केस चल रहा था किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में, वहां से खुद ब खुद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया ये तो केस हम लोग सुनेंगे, और फिर क्या किया, जो पर्सन था उसको सेंटेंस कर दिया या उसको फांसी की सजा सुना दी। या तीसरा ये है कि केस फिट है फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, यहां पे भी सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो ऐसे सिचुएशन में क्रिमिनल केसेस में या क्रिमिनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है कि अपील की जो है ना बात, वो एज अ मैटर ऑफ राइट है फर्स्ट टू केसेस में। ठीक है, मतलब विदाउट एनी सर्टिफिकेट हाईकोर्ट आप जा सकते हो। अगर ऑब्वियसली किसी को अगर फांसी की बात हो गई है, किसी को अगर फांसी दे दी गई है हाईकोर्ट द्वारा, तो वो जा सकता है, उसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि उसकी लाइफ एंड डेथ की बात है। लेकिन थर्ड केस अगर है तो सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्या था, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हुए। 1970 में पार्लियामेंट ने इनलार्ज कर दिया क्रिमिनल एपीलेट जुरिस्डिक्शन को। तो पहले तो सिर्फ यही था कि डेथ अगर बाय चांस प्रोनाउंस हो रही है, लेकिन अगर लोअर कोर्ट ने एक्विट कर दिया एक पर्सन को, मतलब उसको रिहा कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने क्या कर दिया, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर आपको कह सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए उसको जो कहते हैं ना पूरी लाइफ के लिए आप लोगों को इंप्रिजनमेंट दे दिया गया है, या तो ऐसा हो गया, या फिर 10 साल के लिए भी अगर आपको कहा गया कि आपको सजा हो गई है। मतलब लोअर कोर्ट ने तो रिहा कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको सजा दे दी है, चाहे वो सजा डेथ सेंटेंस हो चाहे वो उसकी लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की सजा हो, तब भी वो जो है अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। ठीक है, नेक्स्ट अपील बाय स्पेशल लीव। अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि जब
उत्तराखंड में फीमेल रिजर्वेशन वाला जो केस हुआ था उसमें हाईकोर्ट ने तो स्टे लगा दिया था फीमेल रिजर्वेशन पे, लेकिन क्या हुआ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल लीव एप्लीकेशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई, वहां स्पेशल लीव एप्लीकेशन पे हियरिंग हुई एंड फाइनली जो विमेन रिजर्वेशन था इवेंचुअली देवर मतलब कह सकते हैं कि पहले जो ऑर्डिनेंस था उसके खिलाफ जो स्पेशल लीव एप्लीकेशन की बात करी गई एंड फाइनली वो जो है एक्ट पास कर दिया गया। तो इसमें भी कोर्ट एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि स्पेशल लीव एप्लीकेशन से किस तरीके से काम होता है, तो ये भी आपका एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखना कि जो स्पेशल लीव होती है ना उसमें कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी मैटर उसमें किसी भी कोर्ट के द्वारा हो सकता है, ट्रिब्यूनल के द्वारा भी हो सकता है, एक्सेप्ट तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल अगर हो गया है ना किसी का तो वो स्पेशल लीव एप्लीकेशन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कोई भी केस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फीमेल रिजर्वेशन वाला या कोई भी और जजमेंट हुआ है जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन ये आपका जजमेंट जो है फाइनल भी हो सकता है या इंटरलोकेटरी भी हो सकता है, तो मतलब अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया फिर भी स्पेशल लीव एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है। कोई भी मैटर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट, किसी भी से रिलेटेड हो सकता है और ये डिस्क्रिशनरी पावर है एंड इसको हम क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं भैया ये तो मेरी राइट का मामला है। आप लेके जाओ हर दिन कितने हजारों में वहां स्पेशल लीव एप्लीकेशन फाइल होती है और उसमें से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो किसको एक्सेप्ट करे और किसको रिजेक्ट करे, और ऑब्वियसली किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हो सकता है और जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाईकोर्ट के अगेंस्ट हो एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो पावर है ना स्पेशल लीव एप्लीकेशन वाली ये एक्सेप्शनल है और इसको एक्सरसाइज करना चाहिए स्पेयरिंगली, मतलब बहुत रेयर केसेस में इसका यूज होना चाहिए और बहुत कॉशन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इतने सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तो अगर हर लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने लगेगी तो फिर तो कितने ज्यादा केसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि दो कैटेगरीज होती हैं, या तो कोई ऐसा लॉ या फैक्ट जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो उसमें जो है प्रेसिडेंट जो है रिकमेंडेशन मांगते हैं या उनसे एडवाइस मांगते हैं कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, या तो दूसरी सिचुएशन जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है बिकॉज ऑफ एनी ट्रीटी अग्रीमेंट या कोवेनेंट सनद, तो ये सारा का सारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे हम ऊपर एक्सेप्शन में देखा था कि कोई ट्रीटी वगैरह नहीं आती तो क्योंकि ट्रीटी वाला जो पार्ट है वो यहाँ एडवाइजरी वाले ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है। जो पहला केस था कि सुप्रीम कोर्ट में हमें कोई ऐसा लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना कर सकती कि नहीं भैया मैं तो इसमें कोई एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन जो सेकंड केस है जिसमें कोई अग्रीमेंट या ट्रीटी वाली बात है उसमें सुप्रीम कोर्ट को कंपलसरी है कि एडवाइस आपको टेंडर करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, लेकिन जो भी एडवाइस देता है ना सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट के केस में भी अगर प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस मांगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो कि पब्लिकली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो उसमें जरूरी इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द कोर्ट टू रेंडर एन एडवाइस, बट इट बिकम्स कंपल्सरी व्हेन देयर इज अ केस और डिस्प्यूट अराइजिंग बिकॉज ऑफ एनी ट्रीटी। नाउ इफ द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन एन एडवाइस इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी या इट इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू फॉलो दैट एडवाइस और ओपिनियन। ठीक है, अभी तक जो है 15 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उन्होंने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का यूज करते हुए इन 15 केसेस में एडवाइस मांगा है। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको पता ही है कि जो भी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट जो होता है वो बाकी हाई कोर्ट्स के लिए भी या लोअर कोर्ट्स के लिए भी वो एक एग्जांपल बन जाता है और रिकॉर्ड रखा जाता है उस चीज का। ठीक है, और उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है अपने कंटेंट के लिए। कंटेंट सिर्फ अपने ही नहीं लोअर कोर्ट, सुप्रीम, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग के लिए भी वो इसमें कर सकते हैं। और कंटेंट ऑफ कोर्ट में एक जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता है तो कंटेंट ऑफ कोर्ट जो था उसके लिए कौन सी कमेटी थी, तो ये पूछ सकते हैं कि एच एन सन्याल कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज या ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अगर एच एन सन्याल कमेटी आ गई तो किस चीज से रिलेटेड है, कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने ही रिकमेंडेशन दिए थे कि कंटेंट ऑफ कोर्ट में क्या क्या आएगा। उन्हीं रिकमेंडेशन को फाइनली फॉलो करते हुए 1971 में कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट पास होता है। और उसमें क्या है कि दो तरीके के कंटेंट होते हैं, एक होता है सिविल कंटेंप्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेंप्ट। सिविल कंटेंप्ट में क्या होता है कि आप विलफुली डिसओबी कर रहे हो, मतलब जानबूझ करके आप कोर्ट की बात नहीं सुन रहे हो, उनकी अवमानना कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो उनकी बातों की, तो वो हो गया आपका सिविल कंटेंप्ट हो गया। क्रिमिनल कंटेंप्ट में क्या आता है, या तो आप स्कैंडलाइज कर रहे हो या लोअर कर रहे हो अथॉरिटी कोर्ट की कि भैया नहीं मैं तो स्कैंडल क्रिएट कर दूंगा, नहीं हल्ला गुल्ला करना और इस तरीके के करना। दूसरा इंटरफेयर कर रहे हो,
प्रिजुडिस कर रहे हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कि भैया कोर्ट पहुंच गया वहां जाकर के जो है तमाशा कर दिया, या तीसरा है कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, या किसी भी तरीके से अगर इसे ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, जैसे अगर इनोसेंटली पब्लिश हो गया कुछ और वो जो रिपोर्ट पब्लिश हो गया वो फेयर है, मतलब वो जो भी रिपोर्ट आई है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का फेयर क्रिटिसिज्म है, तो वो जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहलाएगा। अच्छा, अगर पूछा गया क्वेश्चन कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या पनिशमेंट मिलती है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप लोगों को या तो 6 साल की सजा हो सकती है, या फिर 2000 रुपए का फाइन, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, एच एन सन्याल कमिटी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स, अच्छा एक इंपॉर्टेंट ये है इसमें एक और एस्पेक्ट है कि कोई भी कोर्ट जो है ना वो प्रोसीडिंग जो है कंटेम्प्ट की, अगर 1 साल हो गया, सपोज किसी ने कुछ पब्लिश किया आर्टिकल और 1 साल के ऊपर हो चुका है, उसके बाद वो कोर्ट जो है उसको कह नहीं सकती कि तुमने भैया कंटेम्प्ट किया। एक टाइम लिमिट दी हुई है कि 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें कोई एक्शन लेना है या कुछ करनी है प्रोसीडिंग, तो 1 साल का टाइम है। दूसरा, जो न्याय पंचायत होती है और विलेज कोर्ट होती है, वो अपने कंटेम्प्ट के, उनका कोई ऐसे उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो कंटेम्प्ट लगा दें किसी भी, सपोज किसी पब्लिशर पे ऐसे, तो वो उनके पास पावर नहीं होती है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लेना। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब कि अगर कोई जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसने या लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा एक्ट बना दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी पावर के बियॉन्ड जा रहा है, तो अल्ट्रा वायर्स कहते हैं जिसको, तो उसको जो है ऐसे किसी एक्ट को जो है कोर्ट इसमें इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, दैट इज एनजैक, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, तो कोर्ट ने ये माना कि ऐसा कोई आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, एनजैक जो है वो लीगली इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट वैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। तो इस वजह से वहां पे इस तरीके के जो भी एस्पेक्ट है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन रिव्यू का मतलब ये है कि कोई कोर्ट ने सपोज किसी केस पे एक जजमेंट दे दिया, अब रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा पार्टी जो भी है 30 डेज में, और ये रिव्यू पिटीशन उसी कोर्ट में जाएगा, उन्हीं जजेस के सामने जाएगा, और वो ये कह सकते हैं कि कोई नया इंपॉर्टेंट, जैसे सपोज कोई केस था उसमें सपोज कोई वी कैन से कि डाउरी के डिमांड की वजह से सम न्यूली मैरिड गर्ल शी डाइड, ठीक है, एंड क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था तो जो पीपल इन्वॉल्व थे उनको रिहा कर लिया गया, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से कुछ ऐसा सबूत मिल गया है, तो ऐसे केस में सेम जजेस के पास जाकर के वो कह सकते हैं कि ठीक है भैया ये पहले हमारे पास एविडेंस नहीं था, ये इंपॉर्टेंट मैटर है, न्यू डिस्कवरी हुई है, तो वो जाकर के कह सकते हैं कि ठीक है जजमेंट आप प्लीज 30 डे के अंदर अंदर आप इसको रिव्यू करो, या फिर कोई अगर मिस्टेक हो गई हो या कोई और सफिशियंट रीजन हो तो वो आप जा सकते हो उनके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिव्यू पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, क्यूरेटिव मतलब कि रिव्यू पिटीशन के बाद भी, अगर ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझो, निर्भया केस जो हुआ था आप लोगों को पता ही होगा, तो उसमें ये सारे एस्पेक्ट जो न्यूज में आए थे, क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, रिव्यू पिटीशन क्या होता है, तो ये सब ट्राई किया था उन कॉन्वेक्ट्स ने, हालांकि इवेंचुअली उन लोगों को क्योंकि इतना उन्होंने विभत्स कार्य किया था तो इवेंचुअली दे हैड टू जो भी उनका था दे हैड टू इवेंचुअली उन लोगों को जो है फांसी हो गई थी, बट स्टिल दे ट्राइड। तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है और रिव्यू पिटीशन क्या होता है, ठीक है। क्यूरेटिव पिटीशन किस केस में कर सकते हैं, अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है, और दूसरा मिसकैरेज हुआ है, ग्रॉस मिसकैरेज हुआ है जस्टिस का, कि मतलब जस्टिस नहीं दिया है, और ऐसा तो नहीं है कि जज ने कोई बायस होकर के कोई डिसीजन सुना दिया हो, ऐसे केसेस में क्यूरेटिव पिटीशन को करा जा सकता है यूज, ठीक है। नेक्स्ट पावर की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, तो अब ये काम करना आप लोग, इसमें जो ये दिया हुआ है ना डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रिन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार जो है रिप्रेजेंट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रेट करती रही है, तो कई सारे ऐसे इंटरप्रिटेशन आए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रिन आई हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इतना डेप्थ में पूछेगा यूकेपीएससी, लेकिन इनकेस यू वॉन्ट टू यू नो प्रिपेयर फॉर योर ओन नॉलेज, एंड इनकेस अगर आप में से कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, नोट्स देख लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, इम्प्लाइड पावर्स, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स, प्रेसिडेंट, ऑक्यूपाइड फील्ड, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, लिबरल इंटरप्रिटेशन। तो ये यूकेपीएससी के हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि इतना डेप्थ में पूछेंगे, लेकिन अगर कोई यूपीएससी वाला है तो वो जरूर इसी एक एक लाइन में डेफिनेशन देख लेना, जस्ट इन केस अगर पूछ लिया तो।
नेक्स्ट हम आते हैं अदर पावर्स क्या हैं, तो उसमें जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसका भी ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी, उसके डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने की पूरी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और भी हैं, जैसे किसी कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स के खिलाफ अगर कोई है इंक्वायरी, वो देखते हैं और विदड्रॉ कर सकते हैं हाई कोर्ट से केसेस और अपने अंडर ला सकते हैं उसको। और इनका जो लॉ है वो बाइंडिंग है, तो ऑब्वियसली आप इसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में कंपैरिजन क्या है, तो इसको भी खुद रीड कर लेना, इसमें कुछ खास है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, इसका मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो फेडरल लॉस को ही वहां पर देखते हैं, फेडरल केसेस को सुनते हैं, क्योंकि वहां जो हर स्टेट है उसके पास सेपरेट स्टेट जुडिशरी है, उनका अलग अलग वहां चलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां फेडरल जुडिशरी अलग देखता है और आपका जो स्टेट के लॉज है उसको अलग देखा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और वो है, आप इसको रीड कर लेना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो अभी क्या है 34 जजेस हैं, लेकिन शुरू में कितने थे 8 जजेस थे, तो धीरे धीरे कैसे चेंजेस आए हैं, तो पहले 8 थे, मतलब एक हो गए आपके चीफ जस्टिस, बाकी 7 जजेस हो गए, अभी क्या है 34 हैं टोटल, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आए हैं, इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट ये आर्टिकल्स देखो, इसमें से जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप वाइज याद रख लेना, ये 124 से लेकर के आपका जो है 147 तक का सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एक 143 मैंने आपसे बोला था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। और बाकी ये ध्यान रखना, ये एक ग्रुप वाइज याद कर लेना, ग्रुप वाइज याद कर लेना, दैट इतने से इतने बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके 124 से लेकर के 147 तक, तो सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इसमें पॉइंट रह गया, एक क्या पॉइंट रह गया यहाँ पे हमारा, ये तो हमने कर ही लिया था, ठीक है, दिस वॉज डन, ओके। अब ये इसमें किया है कि डिफरेंट जो जजेस है ना, उन्होंने क्या क्या इस पे अपने मैम यू आर नॉट ऑडिबल, अब आ रही आवाज? यस मैम, ठीक है। तो एक देख लेते हैं इसमें से कोई भी एक फोर्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज सम फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट एंड आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज आल्सो टू बी एक्सरसाइज्ड विद द व्यू टू सी द गारंटीज अफेक्टेड बाय दीज राइट्स एंड नॉट कंट्रावेंट। मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, यहां से अगर मेन्स में आप लिखना चाहो, हालांकि ये बहुत हाई लेवल की बात हो जाती है, यूपीएससी की बात हो जाती है, लेकिन यहां से आप कोट कर सकते हो, बट अभी आई वुड नॉट सजेस्ट, अभी आप इतना ज्यादा डेप्थ में मत देखो, इसको एक बार रीड कर लेना कि क्या कहा गया है, कि ठीक है जुडिशियल रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, वही कई डिफरेंट जजेस के इसमें वर्डिक्ट्स आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू, तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आ सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो फ्रेज है या जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू नाम की कोई चीज मेंशन ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताया हुआ है, आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रख देना, आर्टिकल 13 किस बारे में बोल रहा है, ये पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, 132, 133, 134, 134A, तो इसको आप लोग एक बार खुद देख लेना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये, एपलेट वही चीज है जो ऊपर मैंने चार्ट में लिया था, वहीं से इन्होंने ये दिया हुआ है, इसको आप चार्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना आप यहाँ। अच्छा, स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का, तो देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है, और हमारे केस में क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ का प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके बीच में क्या डिफरेंस है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना जो, वो फंडामेंटल राइट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसका यह कहना है कि ठीक है भाई कोई भी सिचुएशन अगर आ जाती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ द पीपल वो मॉडिफाई हो जाती है वहां पर चीजें, लेकिन हमारे केस में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ को डिटरमाइन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वो हो जाए, ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आप लोग एक बार इसको रीड कर लो एक बार, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिव्स वाइड स्कोप अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट प्रोटेक्शन टू द राइट्स ऑफ अ सिटीजन, वो किसी भी राइट को डिक्लेयर कर सकता है वॉइड, लेकिन वो तभी डिक्लेयर करेगा वॉइड जब ग्राउंड जो है वो रीजनेबल है, मतलब जब सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई लॉ जा रहा है तभी वो कह सकते हैं कि ठीक है ये लॉ जो है वो आपकी पावर के अंडर नहीं है,
जैसे मैंने आपको बताया कि एंजाक जो था वो उन्होंने बोल दिया कि ये तो बेसिक डॉक्ट्रिन है, उसके विरुद्ध जा रहा है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई है. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, थ्री डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. अगर जुडिशरी के काम में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ऐसे केस में जो एनजैक्ट था या 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. तो इस वजह से यहां पर जो था आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट इसमें हम लोग कह सकते हैं कि फॉलो हुए थे. ठीक है, बाकी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये है कि ठीक है दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स, मतलब इफ समथिंग इज वायलेटेड देन दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. और हमारे केस में इट इज यही है कि भैया जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स को ही ज्यादा वैल्यू दी गई है, फंडामेंटल राइट्स को भी कर्टेल किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट इन आर केस, वेर एज इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट. इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर समझ में नहीं आएगा बाद में फिर से इसको देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या हो सकता है इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. हालांकि इतना डेप्थ में पूछना नहीं चाहिए, ये तो यूपीएससी लेवल हो गया, बट स्टिल if you want then we can discuss it later on as well. Achha, important aspect isme alag cheez hai ki judicial review of the 9th schedule. To aisa starting mein ye mana jata tha ki 9th schedule ke andar jo bhi article aa gaya hai na uska judicial review nahi hoga. Theek hai, article 31b along with the 9th schedule was added by the first constitutional amendment act 1951. To is baar agar aap logo ne dekha hoga UPSC mein bhi ye question tha ki kaun sa constitutional amendment act aisa aaya tha जिसको लाया गया था इस बात के लिए कि इसमें जो जुडिशरी का वो ना हो. मतलब आप एक बार इस साल का क्वेश्चन भी देख लेना कि एग्जैक्टली क्या पूछा था यूपीएससी ने. ठीक है, तो उसका आंसर यही था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा ये था कि अब जो है हम इसको 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो यहां पर अब कोर्ट जो है अब इसमें कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन ये था शुरुआत में. तो बाद में धीरे धीरे जैसे इंटरप्रिटेशन हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि आप ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते, आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते हो ऐसे कि जितने भी इसके अंदर एक्ट हैं हम तो भैया जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते उसका. ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि लॉज जो है वो केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी लॉज आए हैं अगर वो बेसिक डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहे हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे जा सकते हैं या उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. ठीक है, तो इसको आप देखना. हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो ये है कि जो ट्राइंगल माना जाता है थ्री इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो वो थ्री इंपॉर्टेंट जो ट्राइंगल है आर्टिकल्स का वो कौन कौन से हैं? तो 14, 99, 21, ये शायद पहले आया भी है, अब ये यूकेपीएससी में है या यूपीएससी में है दैट आई डोंट रिमेम्बर, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. तो ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्राइंगल कंसिडर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स का. तो आर्टिकल 14, 19 and 21 इज द आंसर फॉर दैट. बाकी एक बार इसको खुद रीड कर लेना, ये थोड़ा मेन्स वाला एस्पेक्ट है, उतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, ये यूपीएससी का लेवल हो जाता है. एंड अभी कितने एड्स और रेगुलेशन से 9th शेड्यूल में ये भी एक बेसिक सा दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर खत्म. अब जो हमने इसमें मेंशन करा था कि जो हम लोगों को देखने थे, तो टॉपिक्स में से अपना जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट हो चुका है, ज्यूरिसडिक्शन जो है उसके हम लोगों ने कर लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है, इतना पार्ट हमारा जो है कवर हो चुका है. ठीक है, तो आप लोगों को आई होप आइडिया लग गया होगा किस तरीके से इसको अप्रोच करना है. एक चैप्टर के द्वारा 3 या 4 टॉपिक जो हमने मेंशन करे थे वो कवर हो चुके हैं. तो अब आप लोगों को अगर कोई आप लोगों को आवाज आ रही थी, मैं इतनी देर से जो बोल रही थी या म्यूट हो गया था मैम, अभी चली गई थी आवाज, अब फिर आने लगी. तो लास्ट क्या सुना आप लोगों ने? मैं तो बोले जा रही हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आया आप लोगों कब हो गया. तो क्या सुना भाई आप लोगों ने बताओ, लास्ट समझ में आ गया था मैंने एंड किया था जब सेशन, आवाज आ रही थी या क्लोज हो गया था? आ रही थी मैम, आपने बोला था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारा डिस्कस हो गया. अच्छा अच्छा, चलो उतना तो सुन लिया. ठीक है, तो वही मैंने बोला कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है. इस चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है, एक बार खुद भी रीड करना, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट समझ में नहीं आता है तो इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर आई विल आल्सो गो थ्रू दैट, रीड इट अगेन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन. क्योंकि कुछ इसमें लास्ट के कुछ ऐसे पोर्शन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो उसको थोड़ा और डेप्थ में देखना पड़ेगा इनकेस समबडी वॉन्ट्स टू डिस्कस दैट. बट अगर सिर्फ यूकेपीएससी के लेवल से जा रहे हो तो उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. उसके अलावा
तीन चार टॉपिक जो थे इसी चैप्टर के साथ हमारे हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है इसको एंड क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो और किसी को कुछ इसमें कहना है, नहीं तो मैं तीन चार क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूं इससे रिलेटेड। लेट्स सी कितना आप लोगों को समझ में आया। शो मैम, शो मैम, ओके ठीक है, तीन चार क्वेश्चंस तो पूछ ही सकते हैं। ओके चलो आई विल आस्क इंडिविजुअली। चलो भाई तरुण बताओ, जो जजेस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो अपना जो रेजिग्नेशन है ना, वो किसको किसको करते हैं अपना रेजिग्नेशन, किसके नाम पे भेजते हैं, मतलब ठीक है भैया रिजाइन कर रहा हूँ। मैम प्रेसिडेंट को या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करी गई किसी अथॉरिटी के? नहीं वो तो ओथ में होता है ना, ओथ का बोल रहे हो आप, मैंने आपसे पूछा किसमें। सॉरी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट का। ठीक हो गया, ओके तो इस चीज का ध्यान रखना ठीक है। अच्छा नेक्स्ट किससे पूछा जाए, ओके जो मयंक है ना, मयंक चलो बताओ एच एन सन्याल कमेटी किससे रिलेटेड थी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप बताओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है वो कौन से ईयर में पास हुआ है? 1971। ओके ठीक है 75। अब बताओ सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? टाइप कर रहे हो क्या? चलो कोई नहीं, रमनदीप आप बताओ क्या होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ठीक है विलफुल डिसोबीडियंस, ठीक है ओके चलो फिर रमनदीप ने आंसर कर दिया। आप 75 आप बताओ क्रिमिनल क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताओ आंसर। ओके ठीक है। अच्छा अब ये ओपन क्वेश्चन है, जो आंसर करेगा ठीक है ये क्वेश्चन का आंसर दो कि ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के दो एग्जांपल बताओ। सेंटर वर्सेस स्टेट, ठीक हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा चलो वो सब एक ही में आ गया ठीक है, वो फेडरल कोई भी ऑर्गन है उसके बीच में। दूसरा एग्जाम्पल बताओ, सेंटर स्टेट 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 वो ठीक है वो एक के अंडर आ गया। दूसरा बताओ आर्टिकल 32। ठीक है लेकिन उसको हम एक्सक्लूसिव नहीं कह सकते क्योंकि हम 226 के आप लोग जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हो अपने उसके लिए। और बताओ जो सिर्फ एक्सक्लूसिव जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 32 में तो फंडामेंटल राइट्स में हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जिसमें है? नहीं 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 नहीं, स्पेशल लीव पिटीशन इज अनदर थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिव। स्पेशल लीव पिटीशन तो आपका उसमें आ गया ना अपेलेट वाले में, जब उसमें नीचे की तरफ से आपकी कोई हियरिंग हुई है तब उसके अगेंस्ट में जा रहे हो ना। आई एम सेइंग कि एक ऐसा बताओ जो एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते और कहीं जा ही नहीं सकते। आपने डेथ सेंटेंस को कम्यूट या रिमिट करने के लिए? नो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट स्टेट, इसको भी नहीं है ना, तो डेट सेंटेंस तो नीचे की कोर्ट देगी ना तभी तो जाओगे ना ऊपर। आई एम सेइंग कि सीधा सुप्रीम कोर्ट किस केस में जाओगे, ये तो आप सब लोग जो बोल रहे हो ये अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, या कह सकते हो कि आप जो है कह सकते हो प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं कि भैया हमारा ये, तो वो तो कहीं और से वर्डिक्ट आ रहा है ना। आई एम सेइंग कि दो केसेस ऐसे बताओ जिसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे, नीचे जा ही नहीं सकते। डिस्कस किया है हमने राइट टू लाइफ, ऑल्सो यू अप्रोच द हाई कोर्ट, दैट इज नॉट द आंसर। सोचो सोचो भाई, डिस्कस किया है अभी। एक तो वही हो गया जो आप लोगों ने देखा था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है करो कोशिश करो भाई, बताया है मैंने थोड़ी देर पहले। देखो एक तो ये वाला हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर जिसमें स्टेट सेंटर ये वाला पॉइंट ये आप लोगों ने बता दिया। दूसरा बताओ
आवाज बहुत कम आ रही है भाई आपकी। कौन बोल रहा था? संदीप, संदीप बोल रहे हैं क्या? बहुत कम आ रही है, थोड़ा ये बोला आवाज आ रही है आप लोगों का तक? संदीप की आवाज आ रही है क्या सब तक? क्या मुझे ही नहीं सुनाई दे रही है? मैम नहीं आ रही संदीप की आवाज। संदीप थोड़ा आप अपना देखो माइक का कुछ, आई थिंक आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। दूसरा केस बताओ भाई, दूसरा ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जो रिस्ट्रिक्शन जो है, सी इट्स देयर ऑन द स्क्रीन। अब बताओ ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी क्या है ये स्टेटमेंट? पॉइंट ए, नाइन्थ का ए पॉइंट देखो, दिख रहा है स्क्रीन? आवाज आ रही है सबका? आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस मैम, यस मैम। तो समझ में आया कौन सा पॉइंट बोला मैंने? नाइन्थ का ए देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मैम? स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड, स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड रुको। अभी तक स्क्रीन दिखी नहीं रही थी क्या किसी को? नहीं मैम, अब दिख रही है। अभी तक जितना भी पूरे क्लास में नहीं दिखी स्क्रीन कहीं पर भी? नहीं नहीं मैम, तब दिख रही थी, पर अभी आपने जब क्वेश्चन आयर स्टार्ट करा तब नहीं दिख रही थी। अच्छा, वो बीच में किसी ने वीडियो कॉल ऑन कर दिया था ना, वीडियो तो वो चली गई होगी। खैर, तो स्क्रीन दिख रही है ना अब? नाइन पे देखो पॉइंट क्या लिखा है। इन दिस रिकॉर्ड इट हैज द ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी। इन विच रिकॉर्ड? रिगार्डिंग द डिस्प्यूट्स अराइजिंग ड्यू टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये है दूसरा, ठीक है। एक तो आपने जो ऊपर देखा फेडरल वाला, वो तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आ ही रहा है। दूसरा ये जो भी मैंने आपको बताया कि ठीक है द प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट चले जाओगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है दोनों पॉइंट्स। कई बार ये चीजें स्किप हो जाती है। एक तो ये पॉइंट हो गया आपका डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, बिटवीन द सेंटर एंड एनी अदर स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर ऑन अदर साइड्स, वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड एंड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। एक तो ये हो गया ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। इस सबको एक पॉइंट के अंडर कहेंगे तो क्या है कि डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा जैसा हमने अभी इसमें डिस्कस किया नाइन्थ का ए पार्ट जो है कि जब प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको भी जो है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड फाइनल अथॉरिटी जो होगा सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये दो पॉइंट, ठीक है सर, आपका सेशन एंड करते हैं। अगर कोई करी है कुछ है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। अब आ रही आवाज? व्हाट आई एम सेइंग इज कि अल्टरनेटिवली चल रहे हैं हम लोग, इंटरव्यू वालों का भी अब लोग अभी वो चल रहा है, करंट अफेयर्स वगैरह का चल रहा है। तो आप में से शायद कुछ इंटरव्यू वाले भी होंगे मेंबर्स, तो वो भी चल रहा है साइमल्टेनियसली। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, मैंने टॉपिक्स आपको दे दिए हैं इस तरीके से लक्ष्मीकांत को कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। आई होप आप लोगों को आइडिया हुआ होगा। इस तरीके से प्रिपरेशन जारी रखो, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। ओके, यू आर वेलकम। कोई अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो, मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं। थैंक यू।